किस तरह की फिल्म है, दर्शकों को कितनी पसंद आएगी, आपकी क्या उम्मीदें हैं? जी सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, मेरा नाम बुला रहे साथ है। और देखिए आज मेरे फिल्म का ओपनिंग हुआ है मुंबई सर्किट, गुजरात महाराष्ट्र मुंबई, और बहुत ही बढ़िया ओपनिंग रहा है। और मैं अपने दर्शकों को एक बात जरूर कहूँगा कि मैं संजय निषाद फिल्म डायरेक्टर, आप लोगों का छोटा भाई, पूरा प्यार और आशीर्वाद दीजिए मुझे ताकि मेरा हौसला मनोबल हो और बढ़ा और मैं सुधरे लव स्टोरी से भी बढ़िया कंसेप्ट लेकर मार्केट में आऊँ। और यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छा आशीर्वाद दीजिए मुझे आप लोग। किस किस लोकेशन से फिल्म की शूटिंग की गई है? जी बनारस के विभिन्न लोकेशनों पर, सारनाथ, सारनाथ है, लक्ष्मी सेनपुर है, डेढ़ुआ है, अन्य लोकेशन है सारनाथ, मतलब टोटल उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में। फिल्म की कहानी क्या है, किसका कहानी पर बेस है फिल्म और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? फिल्म की कहानी मैडम यही है कि एक शूद्र की लड़की होती है और आर्य का लड़का होता है, जो अजय विलन है उसका भाई जो है एक शूद्र की लड़की से प्यार कर बैठता है। शूद्र नाम से उस विलन को इतना चिढ़ होता है कि शूद्र की लड़की से प्यार करने के जुर्म में अपने सगे भाई को और शूद्र की लड़की को बस्ती में जाकर सरेआम काट देता है। और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे फिल्म शूद्र के लिए? अब तो ये फैसला दर्शक करेंगे कि हमने अच्छा किया है गलत किया है, दर्शकों के हाथ में है। देखिए मैं सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा, ये बहुत खुशी की और अच्छी खबर होती है जिस दिन अपनी पिक्चर रिलीज होती है। मैं प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, हमारे स्टार लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूँगा कि पिक्चर अपना नाम कमाए, और मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ रहेंगी, हमेशा। थैंक यू। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नवीनूर जी को। नवीनूर जी की हिम्मत को सलाम करने पड़ेंगे, जैसे ये नए होने के बावजूद भी गजब इनमें कॉन्फिडेंट है और इन्होंने बड़ी एक खूबसूरत पिक्चर बनाई। और इसके साथ साथ ये जो है ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं अपने बैनर पे, मैं इनको सहयोग कर रहा हूँ। और इनकी एक्टिंग आप लोग एक बार देखेंगे पिक्चर तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और मैं तो बोलूँगा स्मॉल प्रोड्यूसरों के लिए जो है, मतलब नवीनूर जी जो है एक मिसाल कायम होंगे इस पिक्चर से, जैसे इन्होंने हिम्मत दिखाई है। और हाँ, इन्होंने ऐसे सब्जेक्ट पर इन्होंने पिक्चर बनाई है, शूद्र ए लव ए स्टोरी, मतलब आज के डेट में इस पर हाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने में भी डर लगता है। तो इनको सैल्यूट है, इनके सब्जेक्ट को, इनकी मूवी को, इनको, और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। थैंक यू। बेहतरीन फिल्म जो है बनकर ब्लॉकबस्टर बनने वाली है नवीनूर मंसूरी जी को हार्दिक शुभेच्छा पूरे हमारी तरफ से। और ये हिट होने वाली है फिल्म, ये एक्चुअली बहुत ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड कल्चर के ऊपर जो फिल्म बनी है, इसका सब्जेक्ट बहुत ही क्लियर है। और जैसे कि साहब ने बताया कि इनकी एक्टिंग जो है बहुत ही जबरदस्त तहलका मचाने वाली है, लोगों में बहुत एक उत्साह है इस फिल्म को देखने का। और हमारी एक बार फिर से शुभेच्छा है इनको, और आने वाले प्रोड्यूसर लोग इस तरीके से फिल्म बनाएं। और नवीनूर मंसूरी जी बहुत ही अच्छे कलाकार अपने आप के अंदर, उनके अंदर आने वाले सुपरस्टार ही नजर आ रहे हैं फिल्म में, बहुत ही अच्छा और उम्दा काम इन्होंने किया है। और मैं चाहूँगा कि सारे देश दुनिया के लोग जो है कल्चर के बारे में फिल्म देखें और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका जो प्रोत्साहन ये जो है ब्लॉकबस्टर करने वाली है, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम रागनी प्रजापति है और मैं अपने सभी दर्शकों को, जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, सबको मैं पहले प्रणाम करती हूँ। इससे पहले आपने कोई फिल्म या कुछ किया या फिर अभी आपकी एंट्री है? जी इसके पहले मैं एक मूवी की थी, उसमें एज अ कैरेक्टर रोल की थी, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है जिसमें मैंने सेकंड लीड का कैरेक्टर किया है। और मैं सबसे पहले तो संजय सर को थैंक यू बोलूँगी और नवीनूर जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया है इस मूवी में काम करने के लिए। किस तरह के किरदार को आपने स्क्रीन पे दिखाया है? मेरा एकदम साइलेंटली मतलब कैरेक्टर है और डायलॉग तो नहीं है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने कैरेक्टर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिल्म देखकर आ रही है, लोगों का रिस्पॉन्स देखकर कैसा लगा?
लोगों का तो रिस्पांस देख करके अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बस अपने दर्शक से यही बोलूंगी कि आगे भी जो भी जितने एक हफ्ते हमारी मूवी जो भी थिएटर में चले, हमारे सारे दर्शकों से यही विनती है कि हमें खूब ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दें और हमारी मूवी थिएटर में आकर के देखें। फिल्म आई थी मराठी फिल्म करके, साथ नाम सुना होगा आपने जी, उसमें यही कहानी थी, लड़का शूद्र था और जी कहानी थी, इसमें फर्क क्या है? शरारत फिल्म आई थी हमारी, शायद नाम सुना होगा, देखा होगा आपने। ये फिल्म हटके है सर, थोड़ा अलग है, इसमें डायलॉग कॉन्सेप्ट इसका अलग है, पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसको सामाजिक कुरीतियों को दर्शाते हुए मैंने इस फिल्म का निर्माण किया है और ये फिल्म अभी तक ऐसी फिल्म देखी नहीं है दर्शकों ने और मुझे लगता है दर्शक इसको बहुत पसंद करेंगे। मैं तो पहली बार थिएटर में काम किया हूँ किसी मूवी में और हमारे संजय जी का ये देन है, इन्होंने मुझे मूवी में मौका दिया और मैं अपनी पूरी 100% दिया हूँ इस मूवी को करने के लिए और मूवी को थिएटर में आने तक का मैंने 100% दिया हूँ और लोगों का रिस्पांस मैं खुद अपनी मूवी को देखा हूँ तो मुझे लगा है कि हम लोगों ने जो हमारी टीम ने पूरी टीम वर्क ने जो काम किया है बहुत ही सुंदर किया है, बहुत सराहनीय है और लोगों की सराहना भी हमें मिल रही है। हम आशा करते हैं आप सभी दर्शकों से कि आप थिएटर में आएँ और इस मूवी को देखें और जो जात पात की बंधन में हम पड़े हुए हैं इस मूवी के द्वारा उन बंधनों को तोड़ा गया है, उन बंधनों से बाहर। नबीनूर जिस तरह से हमारे पिक्चर में बेटे का रोल किए हैं वैसे लाइफ में भी, इस रियल लाइफ में भी ये बेटे के तरह से ही है, मुझे बाप ही बोलते हैं, पापा जी करके कॉल करते हैं, तो हम जिस तरह से पिक्चर में बाप बेटे का रोल में थे रियल लाइफ में भी इतने अच्छे इंसान हैं कि हमें जो है बाप बेटे के रोल में ही मिल रहे हैं। मैं अपने किरदार से बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे प्रोड्यूसर और मेरे को स्टार्स इतने अच्छे हैं और इतने हेल्पफुल हैं कि इनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया और अपने कैरेक्टर से मैं क्या कहूँ, मूवी देखेंगे तो आप लोगों को खुद भी समझ में आएगा। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये मूवी देखिए और हमें अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। थैंक यू जी। मैं सभी मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ही जल्दी इसका ऑडिशन शुरू होने वाले हैं। फिल्म का नाम है अजीब ए इश्क, अजीब ए इश्क, ये बहुत ही अजीब इस तरह का इश्क रहेगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इश्क वो है, वाकई में इश्क क्या चीज़ होता है और कितना अजीब होता है, इसलिए मैंने इस फिल्म को ध्यान में रखते हुए इसका टाइटल लिया है और इसी टाइटल के आधार पर मैं इसकी स्टोरी अपने राइटर से लिखवा रहा हूँ और फिल्म का नाम है, वापस एक बार बोलूँगा मैं, अजीब ए इश्क का। बहुत ही जल्द ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। धन्यवाद।